अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमे के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो देख सकते हैं आज मेरी पट्टी खुल जाएगी, कब क्या होता है बोल नहीं सकते इंसान के। तो चलिए आज नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मेरे आँख क्या हो गया, बैंडेज बंधे हैं, तो ये जानने के लिए आपको लास्ट तक मेरे साथ रहना पड़ेगा, पूरा वीडियो देखने से आपको पता चलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिसी बड़े बात। तो मेरे वीडियो पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल से नए नए नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। दिल को ऑल करके ग्रे कर दीजिए। टोकरी का ये बिसी बड़े बात बहुत टेस्टी रहता है। ये तो यहाँ पर मैं चिकन फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर ये चटनी बनाई हूँ, पचड़ी पुदीने की, बहुत टेस्टी रहती है। और साथ में टमाटर का अचार, एक साल से मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर बन रही है दाल। एलेक्सा अभी बज रहे हैं 10:30। इससे मेरा काम अभी, मुझे बर्तन अभी धोना है। पका पका के देखिए बर्तन अभी उतने ही रहते हैं। मेरा नाश्ता तो हो चुका है। तो यहाँ पर पालक पीस के रखी हूँ और खाना भी बन चुका है। तो अभी ये पालक चिकन बना रही हूँ मैं। तो उसको अच्छी तरह से चिकन को हम भून लेंगे। एलेक्सा टाइम कितना हुआ है? 10:35 हुए हैं। देखिए अभी मुझे घर भी झाड़ना है। पालक बन के तैयार है और यहाँ पर हमारी दाल भी रेडी है। ये इतना टेस्टी बनती है चिकन पालक, बहुत टेस्टी। अभी मैं बटर भी डाल रही हूँ ऊपर से। इसकी भी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं आप मेरा काम सारा हो गया। दाल बनाई थी तो 1 बजे मैं इस तरह से चावल रख देती हूँ ताकि ठंडा ना हो हमारा खाना। चटनी जो भी चिकन वकन सब बनाई थी ना, तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा काम सारा, बर्तन सारा धो के घर के सब पोछा लगा के हो चुका है। सब कुछ क्लीनिंग 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 हो गया है। तो ये हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल से मैं आ गई हूँ उधर। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगी, अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती। तो मेरे लिए ज़रूर से दुआ में याद रखिए। तो आज मेरी पट्टी खुलने वाली है तो अभी मैं जाऊंगी हॉस्पिटल। वीडियो बनाना तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इतने दिनों से वीडियो नहीं डाली हूँ ना, क्या वजह मैं वीडियो नहीं डाली हूँ बोल के दिखाऊंगी। और हॉस्पिटल में वीडियो मैं नहीं बना सकती क्योंकि सब लोग देखते हैं ना, आँख के ऊपर पट्टी बन के भी वीडियो बना रहे हैं बोल के। तो सिर्फ आपके लिए एक झलक दिखा रही हूँ उतना ही। तो चलिए अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। इंसान के साथ कब क्या होता है मालूम ही नहीं होता, अचानक से इस तरह से हो गया। तो आज मेरी बैंडेज खोल लेंगे। तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल। देखो फिर अंदर जमाते नहीं तुम ना मांस फुल फुल का जा रही बढ़िया माँ। हाँ 10 रुपये यूज कर रहा मास। बढ़िया मां मास भूल के आ गए।
तो आ गए हम हॉस्पिटल। तो ये है हॉस्पिटल। तो मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल। तो देख सकते हैं आज मेरी पट्टी खुल जाएगी। कब क्या होता है बोल नहीं सकते इंसान के साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे थोड़ा सा तकलीफ कम लग रही है हॉस्पिटल आने के बाद। मैं बहुत डर गई थी कि क्या होता है क्या नहीं। इंसान होना तो थोड़ा बहुत डर होता ही होता है ना। तो देखिए हॉस्पिटल में बैठी हूँ मैं नहीं चाहती थी कि ये वीडियो बनाऊँ। तो हर चीज़ तो आपके साथ शेयर करती हूँ इसलिए वीडियो बना रही हूँ। आप मुझे दुआ में ज़रूर से याद रखिए जैसे हर हमेशा रखते हैं। आपका प्यार आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। ये वीडियो 20 दिन पुराना है अभी का नहीं। तो मैंने ये बना के रख दिया था सारा जो कुछ भी उस दिन जो कुछ हुआ था वो वीडियो में बना के रखी थी। तो आपके साथ शेयर करके हर चीज़ आदत हो गई है मुझे। प्रियांक के रग में खून पास नहीं हो रहा था तो जब जाके दिखाई तो वो बोले कि फर्स्ट आपको अंग के अंदर इंजेक्शन डालना पड़ेगा। तो मैं बहुत डर गई थी घबरा गई थी अपने आप को अकेला। बहुत कुछ दिल में चलता है ना वो सब कुछ फीलिंग मेरे अपने आप में कुछ भी हो तो हाथा पाँव को इंजेक्शन कभी भी लेके रहते हैं। आँख में कैसे इंजेक्शन डलाऊँ बोल के मैं बहुत डर गई थी बहुत। तो 3000 स्कैनिंग का था आँख का तो इंजेक्शन भी बहुत कॉस्टली था 15000 का। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंजेक्शन भी दलाई है आँख भी अच्छे हो गए। इंसान कहे बस तंग कब क्या होता है समझ में भी नहीं आता। तो इसलिए ये छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मेरी YouTube फैमिली है मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाली थी इसलिए ये रीज़न मैं बता रही हूँ। देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आँख भी ठीक है अभी मेरे को कोई भी तकलीफ नहीं है। अल्लाह का शुक्र गुज़ार हूँ। जितने मेरे सब्सक्राइबर मेरे सिस्टर जो भी मुझे कमेंट्स करते थे तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना के रखी थी। खाना बनाना या ब्लॉगिंग करना वही नहीं होता मैं भी इंसान हूँ सुख दुख तो मेरी भी ज़िंदगी में आता है इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नई वीडियो के साथ मिलती हूँ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।